नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखेंगे कि कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, जो मंडे के सेशन में किस सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है, किस रेजिस्टेंस से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन है जहाँ से हम अगेन बाउंस बैक कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। तो फाइनली देखिए, हम बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर इस वीक कंटिन्यू एक रेंज में हम फंसे हुए हैं। रेंज मीन्स मतलब हम यहाँ पर वॉलेटाइल हैं। देखिए होता क्या है कि जब हमको एक बड़ी मूव मिल जाती है किसी भी इंडेक्स में, कोई इंडेक्स हो चाहे वो किसी स्टॉक हो, एक बड़ी मूव के बाद मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट एक रेंज में चली जाती है। रेंज में जाने के बाद देखिए वो ब्रेकआउट होता है, वो चाहे वो ब्रेकआउट हो चाहे वो ब्रेकडाउन हो, मींस मतलब ये तीन प्रोसेस होते हैं मार्केट के, किसी भी स्टॉक के, किसी भी इंडेक्स के। जब भी मार्केट एक बड़ी रेंज बनाएगी, मींस एक बड़ी मूव देगी, बड़ी मूव देने के बाद मार्केट वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट एक रेंज में जाती है और रेंज में जाने के जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर एंट्री लेने का एक बहुत परफेक्ट मौका होता है। वहां से हमको एक बड़ा प्रॉफिट हम जो है कमा सकते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पर बात करते हैं, आज जो हमने बैंक निफ्टी में जो हमने मूव देखी वो मूव कोई खास नहीं रही। मतलब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेशन में तो ऊपर की तरफ रहे कंटिन्यू, बट सेकंड सेशन में जैसा मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया था कि हम मतलब ऊपर की तरफ जाने के बाद एक बार नीचे की तरफ जरूर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हाई लगा वो 36,322 का लगा और यहाँ पर जो लो लगा वो 35,702 का लगा। मीन्स हमने जो है 500 पॉइंट्स के बीच में ही आज हमने ट्रेडिंग की है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी अभी किस तरह से यहाँ बिहेव कर सकता है। तो फाइनली देखिए 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पर जो मार्केट दिख रही है वो एक वॉलेटाइल मार्केट दिख रही है। वॉलेटाइल मीन्स मतलब देखिए उसी एक ही रेंज में ट्रेड करना, कभी देखिए ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाकर देखिए सेम लेवल नीचे की तरफ, अगेन ऊपर की तरफ है और उसके बाद अगेन हम यहाँ पर नीचे की तरफ हैं। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को चार्ट में मैंने जो आप लोगों को बताया था वो चार्ट में देखिए मैंने आप लोगों को इस तरह से चर्चा की थी कि ये देखिए, अब मैं पहले चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्लोज हुए थे, क्लोज होने के बाद देखिए अब जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट देखिए 10:30 बजे के आसपास हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमने दिया और ब्रेकआउट देने के बाद देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको देखिए जो चार्ट में मैंने आपको एरो बनाकर बताया था उसमें देखिए मैंने बताया था कि जब भी हम ये लेवल ब्रेक करेंगे तो हम ये ऊपर का लेवल जाकर टेस्ट करेंगे और ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक हर्डल है, इस एरिया के पास आने के बाद हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम यहाँ पर मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो अब देखिए अभी हमने ये लेवल ब्रेक कर दिया है, देखिए अब मैं ध्यान से आपको चार्ट देखिएगा। अब ये देखिए ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया अब ये हमारे पास सपोर्ट एरिया बन चुका है। मींस हम जिस पे अभी तक हम रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे की तरफ आ रहे थे, अब वही एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और वहां से हम जो है सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेंगे। तो यहां पर अगर देखिए हम, तो देखिए एक बार हम यहां पर रिटेस्ट होकर यहां से बाउंस बैक हुए, अगेन हम यहां पर रिटेस्ट होकर बाउंस बैक हुए। मींस मैंने आप लोगों को जो एक चार्ट में बताया था इस तरह से एरो करके, तो ये हमारा अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मींस देखिए हमने यहाँ से निकले हैं बट हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमारा डेस्टिनेशन ये है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। हम यहाँ पर जाने के बाद हम एक बार क्लियर कट यहाँ पर नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। अब देखिए मार्केट में यहाँ पर दो तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो क्या हो सकती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, मैं इसमें काफ़ी लॉजिकली बातें करने वाला हूँ। अब देखिए जो पहला सिनेरियो हो सकता है, वो पहला सिनेरियो देखिए इस तरह से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, जब ये 36,600-35,000 के लेवल के आसपास जाएगी तो यहां से एक बार ये नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ कहां तक आएगी, ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास है, ये ट्रेंड लाइन का देखिए सपोर्ट लेने के बाद यहां पर ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि पहले प्रोबेबिलिटी में मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकती है। चलिए अब हम सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे कि सेकंड प्रोबेबिलिटी में किस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकती है। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर देखिए अभी जहां पर हमारी क्लोजिंग आई है वो 36,124 पे है, मे भी देखिए यहां से ऊपर जाने के बाद यहां से रजिस्टर लेगी, 36,500 का एरिया जो है रेजिस्टेंस के एरिया है, यहां से नीचे की तरफ देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगेन इसको रीटेस्ट करके अगेन इस लेवल के आसपास आ सकती है। तो ये हमारे दो प्रोबेबिलिटी है, देखिए मंडे के सेशन में मार्केट कुछ इस तरह से देखिए ट्रेडिंग कर सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो देखिए यहां पर एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलेगी। मीन्स ये एरिया जो है ये हमारा रजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया में हम दोनों प्रोबेबिलिटी में हम जब भी इस एरिया के पास जाएंगे तो यहां से कम हम 200 पॉइंट्स जरूर यहां पर गिरने वाले हैं। इस
एरिया के पास जाकर हमारी एक सेलिंग बनती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिले, कोई मतलब कोई नेगेटिव कैंडल मिले, या कोई आप डाटा एनालिसिस के हिसाब से अपना जो है ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारा एक क्लियर कट सेलिंग का जोन है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 36,124 के आसपास है और यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 36,600 का है, तो यहाँ से गैप अप यहाँ पर जाने के लिए इसको 500 पॉइंट्स गैप अप ओपन होना पड़ेगा। यहाँ पर 500 पॉइंट्स ऑलरेडी जब मार्केट चल चुकी होगी तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, हर्डल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वो एक परफेक्ट मौका होगा सेलिंग करने के लिए। अगर 500 पॉइंट्स का गैप अप हो जाता है तो उस टाइम हमको यहाँ पर एक परफेक्ट मौका मिलेगा सेलिंग करने का, वहाँ से हम अपना सेल का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा देखिए मैं क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर का एरिया 36,600 और नीचे का एरिया 35,400, इस एरिया के पास आकर हम रेजिस्टेंस के पास आकर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरते हैं और इस एरिया के पास आकर हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मैंने गैप अप ओपनिंग का तो आपको बता दिया, अब गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाती है तो देखिए 36,100 पे क्लोजिंग है और यहाँ पर जो हमारा ये देखिए हमारा जो सपोर्ट है वो 35,500 के आसपास है। तो यहाँ से अगर हम 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरते हैं, देखिए अगर 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां से क्लियर कट सेल करना है, यहां से अगर 500 पॉइंट्स हम नीचे की तरफ गिरते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये हमारा एक क्लियर कट हमारा बाइंग का एरिया है। यहां से एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जाएगी, ऊपर की तरफ देखिए हमारे पास कम से कम 300 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा सकती है अगर इस एरिया के पास आती है। अब देखिए मैं बड़े के सिनेरियो में बता देता हूं कि बड़े बड़े सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर देखिए कोई यहां से कंटिन्यू कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब 700-800 पॉइंट्स की ओपनिंग हो जाती है, अगर इसके बाहर इस रेंज के बाहर जो हमारी रेंज बनी हुई है 1200 पॉइंट्स की, इस रेंज के बाहर अगर ओपन हो जाता है तो उस वहां पर एक क्या करना है आपको, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगर हाई क्रॉस करता है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, सेम आपको यहां पर करना है, यहां भी हाई और लो नोट करके तो यहां पर देखिए क्या करना है आपको, लो के नीचे आपको जो है सेल के लिए आप जा सकते हैं। तो देखिए बाकी मैं आप लोगों को चीजें कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट करते रहूंगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं कंटिन्यू पोस्ट डालते रहता हूँ इंट्राडे में, कि अगर आप देखिए जो भी अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हैं, आपको पता चल जाए मार्केट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूँ। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है आपने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी की स्टॉक्स जो है किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर सकते हैं मंडे के सेशन में। तो फाइनली देखिए एक्सिस बैंक, अब एक्सिस बैंक के लिए देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 770 और 700 दो मैंने आपको लेवल बताए हुए हैं। 770 का एरिया अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने वाले हैं, यहाँ पर एक बड़ी मूव पेंडिंग है अगर ये ऊपर की तरफ 770 का लेवल क्रॉस करता है तो। 770 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और यहाँ पर 700 की क्लोजिंग के नीचे हम यहाँ पर सेलर बनने वाले हैं। देखिए जब ये 700 के नीचे क्लोज कर देगा तो ये मे बी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है और असेंडिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के पास जाकर ये कंटिन्यू हम 2 वीक से यहाँ पर हम ना ऊपर की तरफ निकल पा रहे हैं ना नीचे की तरफ निकल पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको अब यहाँ पर एक रेंज मिल चुकी है, तो रेंज के बाद देखिए अब चाहे रेंज के का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, चाहे रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाए, अब देखिए एक लेवल मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, एक लेवल नीचे ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा हमको उस तरफ हो लेना है इंट्राडे में। देखिए इंट्राडे ट्रेडर क्या है, इंट्राडे ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, इंट्राडे का ट्रेडर का एक पक्का व्यू नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं आज बाइंग ही करूंगा या फिर आज मैं सेलिंग ही करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल होता है, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, अपने डाटा एनालिसिस के हिसाब से अपना व्यू बनाता है। और देखिए जिस तरफ का व्यू होगा मार्केट का आपको उसी डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, मीन्स आपको न्यूट्रल रहना चाहिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो। हाँ अगर आप पोजिशनल ट्रेडर करते हैं तो उसके लिए आप अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बंधन बैंक, बंधन बैंक के देखिए मैं बताया 355 से लेकर 360 इसके लिए एक हर्डल है, जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग के लिए नहीं जाना है। मे बी देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक बार बाउंस बैक हो सकता है। सो यहाँ पर वेट करिए, पेशेंस रखिए, यहाँ पर एक बार इसको ट्रेंड लाइन के पास आने दीजिए, जब ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक है देखिए हमारा HDFC बैंक।
एचडीएफसी बैंक देखिए यहाँ पर जो रेंज बनी थी 1450 और 1350 की, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 100 पॉइंट्स की रेंज थी, अब 100 पॉइंट से देखिए हमने जो हाई यहाँ पर लगाया हुआ है वो 1630 के आसपास लगाया हुआ है। मीन्स यहाँ पर हम जो हमारा टारगेट था उसके डबल के आसपास है। अब यहाँ पर बाइंग जो करनी है वो 1630 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर करनी है। मीन्स मतलब इंट्राडे में आपको कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल चाहिए जो 1630 रुपये के ऊपर क्लोज कर दे, उसके हाई के ऊपर आपको जो है यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। मे भी देखिए यहाँ पर जो सेलिंग करनी है वो 1540 रुपये के नीचे करनी है। 1540 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वो 1500 के आसपास का होगा। अगला स्टॉक है देखिए आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी इस तरह के असेंडिंग चैनल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मूव होती है। सो यहाँ पर देखिए अब हम कंटिन्यू यहाँ पर 5-7 दिनों से यहाँ पर एक रेंज बना रहे थे। मीन्स कंटिन्यू डोजी कैंडल या फिर देखिए हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, मीन्स यहाँ पर देखिए 7-8 दिन यहाँ पर हो चुके थे कंटिन्यू इस एरिया के पास हमको सस्टेन करते हुए। और फाइनली यहाँ पे जो है देखिए एक बड़ी कैंडल ने जो है इसको ब्रेक कर दिया है जो यहाँ पर रेंज बनी हुई थी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर रेंज बना दूँ, बता देता हूँ कि ये हमारी रेंज थी और रेंज को फाइनली ऊपर की तरफ आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेक कर दिया। तो आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, 650 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 660, 670 और 680 के टारगेट के लिए आप इसमें इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक देख लेते हैं इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए अभी यहाँ पर एक हमारे पास ये ट्रायंगल पैटर्न था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था हमारे पास, असेंडिंग चैनल पैटर्न को कह सकते हैं। तो फाइनली देखिए इसने जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है क्योंकि कैंडल का साइज देखें तो कैंडल का साइज भी बहुत बड़ा है और नीचे से अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की तरफ ध्यान दें तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर लगा हुआ है। सो यहाँ पर ये जो है ये एक निशानी होती है रियल ब्रेकआउट की, मतलब कि ये रियल ब्रेकआउट है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग के लिए बिल्कुल मत देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्ट हो रहा है तो ये रीटेस्ट यहाँ पर होने दीजिए। जब भी यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके बाद यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, बट यहाँ पर अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक को देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि देखिए हमने एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अब ये ब्रेक हुई तो नीचे की तरफ सपोर्ट पे आकर फिर बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पर जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है देखिए, इसको ब्रेक किया तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न हमारे पास है। मीन्स यहाँ पर एक टॉप हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है और एक टॉप पैटर्न हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो देखिए जब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि डबल टॉप जब भी पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न के बाद हमको अगेन एक जो है डाउनसाइड का मूव देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको बाइंग के लिए देखना है और कोटक बैंक में आपको सेलिंग के लिए देखना है, क्योंकि देखिए इसका जो हाई लगा हुआ है ये 2030 का है और अभी जो हमने क्लोजिंग दी है वो 1950 पे दी है। मींस अभी 80 पॉइंट्स का गैप है। अगर हम मंडे के सेशन में 2030 का लेवल टेस्ट कर भी लेते हैं तो अगेन हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, मे बी 5-10 पॉइंट जाएंगे तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं, बिकॉज यहाँ पर 80 पॉइंट्स की हमको यहाँ पर दूरी तय करनी पड़ेगी तब हम जाकर 2030 को टेस्ट करेंगे। और देखिए सेल करने के लिए हमको बहुत छोटी दूरी तय करनी है। मीन्स यहाँ पर देखिए जो लो है हमारे पास वो 1935 के आसपास, तो 1950 के आसपास हमारी क्लोजिंग है तो हमको नीचे की तरफ जाने के लिए सिर्फ 15 पॉइंट का वेट करना है। 1935 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक करके एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो उस कैंडल के लो के नीचे आप वहां पर अपना ट्रेड बना सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। अगला स्टॉक देख लेते हैं आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक को देखिए यहां पर वेट करिए, वेट क्या करना है आपको, यहां पर 238 का लेवल निकलने का, 238 का लेवल नीचे की तरफ निकलता है तो उसको क्लियर कट सेल करिए। ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाली है, ट्रेंड लाइन का टारगेट देखिए 220 के आसपास है तो अगर 238 का वो नीचे की तरफ क्लोज करती है कोई भी 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, उस कैंडल के नीचे वहाँ पर आप क्लियर कट सेल के लिए देखिए। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोटक बैंक में और आरबीएल बैंक में आपको सेल के लिए देखना है और अपना एक्सिस बैंक में और अपना ये जो था हमारा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में, इन दोनों स्टॉक्स में आप लोगों को बाइंग के लिए नज़र बनाकर रखनी है। अब अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है और बहुत बैंक निफ्टी से मिलता जुलता है। देखिए मैं आप लोगों को पिछले भी कई सेशन में बता चुका हूँ कि जिस तरह से हम बैंक निफ्टी में मूव देख रहे हैं उसी तरह से सेम मूव हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम कंटिन्यू 6 दिनों से, मीन्स ये पूरा वीक जो जा चुका है, इस पूरे वीक में हम जो है ना ऊपर की तरफ हम ब्रेक कर पाए हैं ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पाए हैं। अब मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट में लेकर चलूंगा, वन डे का चार्ट लगाऊंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सिमिलर है। अब यहाँ पर देखिए वन डे का चार्ट मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हम कंटिन्यू 6 दिनों से ना हम ऊपर का रेंज
रेंज हम ब्रेक कर पाए हैं और ना ही हम नीचे का रेंज ब्रेक कर पाए हैं। जिस तरह से कैंडल यहाँ पर बन रही है, देखिए एक बड़ी कैंडल, उसके बाद थोड़ी छोटी, उसके बाद हैमर, उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल, यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल, उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल, हैमर कैंडल, बड़ी कैंडल। तो जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव कर रहा है, जिस तरह से बैंक निफ्टी मूव कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। अब 6 दिनों से ना ऊपर की तरफ यहाँ हमने ब्रेक किया है, ना ही बैंक निफ्टी को हमने 6 दिनों से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो नजर बनाकर रखिएगा, अगर स्टेट निफ्टी बैंक नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, निफ्टी बैंक अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। मींस आप जो है इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के साथ साथ आप जो है इस स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ऊपर ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, 410 के ऊपर हमको क्लोज करना है। 410 के ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे तब हम ऊपर के लिए जाएंगे, मींस यहां पर अभी गैप ज्यादा है। और नीचे देखिए हमको यहां पर 5% की हमारे पास क्लियर कट मूव पड़ी हुई है। अगर यहां पर देखिए, अगर हमने 385 को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, 385 के लेवल को नीचे की तरफ अगर हम क्लोज कर देंगे तो हमको यहां पर जो क्लियर कट 360 का लेवल हमको यहां पर मिलने वाला है। मींस यहां पर हमारे पास 25 पॉइंट्स हमको बिल्कुल क्लियर कट मिलेंगे। ये 25 पॉइंट्स देखिए बिल्कुल हमको यहां पर मिलने ही वाले हैं, क्योंकि यहां पर देखिए और कोई सपोर्ट नहीं है यहां पर। इसके बाद हमको सपोर्ट जो मिलेगा इसी पे सपोर्ट मिलेगा अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो नजर बनाकर रखिएगा बैंक निफ्टी में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दोनों में। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।